स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिट थ्री चैप्टर नाइन माई ग्रीन फ्रेंड्स इट मीन्स मेरे हरे दोस्त ग्रीन फ्रेंड्स जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है मीन्स प्लांट ट्रीज एटसेट्रा स्टार्टिंग पॉइंट अनस्क्रेम्बल द नेम्स ऑफ दीज प्लांट्स यहाँ आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम स्क्रैम्बल करके दिए गए हैं उनको आपको राइट फॉर्म में लिखना है फर्स्ट आर एस ई ओ मीन्स आर ओ एस ई रोज नेक्स्ट एल यू टी ओ एस राइट आंसर इज़ एल ओ टी यू एस नेक्स्ट सी एस यू ए टी सी मीन्स राइट आंसर इज़ सी ए सी टी यू एस कैक्टस वी विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड देयर फंक्शंस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में उसके पार्ट्स और उसके फंक्शंस के बारे में अबाउट हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड कितने ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना फूड सेल बनाते हैं अबाउट हाउ प्लांट्स हेल्प अर्स इवन प्लांट्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं मदद करते हैं इसके बारे में भी हम आगे इसी चैप्टर में रीड करेंगे नाउ लर्निंग लेटर प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर अस एंड आवर सराउंडिंग्स यानी कि प्लांट्स जो हैं वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे चारों तरफ प्लांट्स पाए जाते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शंस अब मैं आपको यहाँ पर प्लांट्स के कुछ पार्ट्स और उनके फंक्शंस के बारे में बताती हूँ ए प्लांट हैज मैनी पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैज़ अ डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शंस मीन्स प्लांट के बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं नंबर वन इज़ लीव्स लीव्स मीन्स पत्तियाँ यूनो स्टूडेंट्स आपने बहुत तरह की पत्तियाँ देखी होंगी और सभी प्लांट्स में सभी पत्तियों का एक ही वर्क होता है द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैल्प इन प्रिपेयरिंग फूड द प्लांट मीन्स लीव्स का वर्क क्या होता है फूड बनाना यानी कि लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पार्ट पाया जाता है उसी के हेल्प से लीव्स सन के साथ रिएक्शन करके प्लांट के लिए क्या प्रिपेयर करती हैं फूड प्रिपेयर करती हैं यस लीव्स मेन काम होता है फूड प्रिपरेशन का यानी कि भोजन बनाने का काम लीव्स करती हैं लीव्स आर ऑल्सो कोल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज यानी कि लीव्स को भी हम क्या कहते हैं फूड ऑफ फैक्ट्री यानी कि प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम जो मेन पार्ट है प्लांट का वो कौन करता है वो करता है लीव्स आपको जैसा कि पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लीवस होती हैं और सभी का शेप एंड साइज भी डिफरेंट होता है देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पर आपको पपाया लीव दिख रही है जिसका शेप बहुत ही डिफरेंट है सेकंड मैंगो लीव एंड थर्ड इज पाम लीव ये सभी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट लीव्स हैं स्पिनच मिंट एंड कोरिएंडर आर लीव्स ऑफ प्लांट दैट वी यूज एज फूड यानी कि कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनकी पत्तियों का हम डायरेक्ट खाने में यूज़ करते हैं यानी कि कुछ प्लांट्स की पत्तियाँ जिनको हम एज इट इज़ वैसे ही यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पालक पुदीना धनिया ये सभी तरह के प्लांट्स होते हैं नेक्स्ट आता है अब हम बात करते हैं स्टेम की स्टेम मीन्स तना यानी कि पेड़ किसी भी प्लांट को सपोर्ट देने का यानी उसको प्रॉपरली स्टैंड करने का काम जो करता है वो करता है स्टेम द स्टेम ऑफ अ प्लांट गिव सपोर्ट टू द प्लांट इट फीड्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फूड एंड वाटर यानी कि स्टेम क्या करता है प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक फूड और वाटर सप्लाई करता है उनको प्रोवाइड कराता है ताकि प्लांट पूरी तरह से प्रॉपरली ग्रो कर सके कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं खाते हैं लाइक पटैटो जिंजर एंड शुगर कैन आर स्टैम विच वी कैन ईट यानी कि नीचे जैसे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं पटैटो जिंजर शुगर केन इनको क्या करते हैं इनको हम डायरेक्ट ऐसे ही खाने में हमारे यूज़ करते हैं नेक्स्ट रूट्स रूट्स क्या होता है रूट्स होती हैं प्लांट का वो पार्ट जिससे वो मिट्टी के अंदर दबी रहती हैं हमें दिखाई नहीं देती लेकिन ये प्लांट को क्या करती हैं फॉर्मली फर्मली मीन्स दृढ़ता से उसको स्ट्रेट खड़ा होने में हेल्प करती हैं द रूट्स हेल्प टू होल्ड अ प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल यानी कि रूट की मदद से प्लांट क्या होता है सॉइल के अंदर दृढ़ता से खड़ा रहता है उसको वो मिट्टी प्रॉपरली होल्ड कर पाती है दे इस्प्रेड आउट अंडर द ग्राउंड दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है ये मिट्टी के अंदर फैला हुआ होता है और यह मिट्टी से सॉइल सॉयल मीन्स मिट्टी मिट्टी से क्या करता है पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्व करता है और प्लांट को देता है सम ऑफ द रूट्स दैट वी ईट आर स्वीट पटेटो रेडिश एंड कैरेट जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कुछ ऐसे फूड हैं जिनको हम डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ रूट के रूप में यूज़ करते रूट मीन जड़ के रूप में लाइक पटैटो पटैटो को स्टेम भी बोला जाता है और ये एज ए रूट भी यूज़ होता है इसके अलावा आती है रेडिश रेडिश मीन्स मूली कैरेट कैरेट मीन्स गाजर ये क्या होते हैं ये एक टाइप की रूट्स होती है जिनका कि हम यूज़ अपने फूड में करते हैं नाउ नेक्स्ट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इसके पहले एक क्वेश्चन दिया गया है कि विच वेजिटेबल मेक क्राई व्हेन इट इज़ कट यानि कि ऐसा कौन सा वेजिटेबल है जब इसको हम कट करते हैं तो ये हमको रुलाता है आप इसका क्वेश्चन फाइंड करिए और बताइए राइट आंसर क्या है यस राइट आंसर इज अनियन

किस में कन्वर्ट होते हैं फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं कई सारे ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनके प्लांट में पहले फ्लावर आता है और फ्लावर बाद में किसमें कन्वर्ट होता है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और कई सारे फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनके सीड्स को अगर हम वापस से मिट्टी में यानी कि सॉइल में इसे प्लांटेड कर देंगे तो हमको एक नया प्लांट उससे मिलता है कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम एल्जम फ्लावर के रूप में यूज़ करते हैं वो है कॉलीफ्लावर एंड कैबेज ये दोनों क्या होते हैं एक टाइप के फूल गोभी होते हैं नाउ नेक्स्ट टमैटोज एंड ब्रिंजल्स आर ऑल्सो फ्रूट ऑफ प्लांट दैट वी ईट एज वेजिटेबल वी ईट द सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज पल्स एंड कैरल्स दीज इंक्लूड राइस wheat, कॉर्न pulses एंड पीज देखिए कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जिनके अंदर सीड्स होते हैं लाइक टमाटो एंड ब्रिंजल इनका भी क्या होता है पहले इनको भी हम फ्रूट के रूप में ही इन प्लांट्स के फ्रूट्स को यूज़ करते हैं कैसे एज ए वेजिटेबल के रूप में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम सीड्स के रूप में यूज़ करते हैं जैसे पल्सेस, कैरल्स राइस व्हीट कॉर्न पीज़ यानी कि दालें हो गई हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके अलावा मक्का ज्वार बाजरा चावल मटर बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स होते हैं फूड होते हैं जिनको हम सीड्स के रूप में यूज़ करते हैं हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन अ लीव दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर न्यूट्रीशियस एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर एंड न्यूट्रिय फ्रॉम द सॉयल प्लांट्स क्या करता है प्लांट्स के जो पत्तियाँ होती हैं वो फूड का प्रिपरेशन का काम करती हैं यानी कि मेन जो पार्ट है प्लांट का लीव्स लीव्स क्या करता है प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करता है इनको जब फूड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट अगर सनलाइट नहीं होगी तो पत्तियों का का क्या होगा ये फूड बनाने की प्रोसेस नहीं कर पाएंगी इसलिए सनलाइट की हेल्प के द्वारा जिसके साथ में उनको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है इन सभी के मिक्सचर से लीव्स क्या करती है फूड का प्रिपरेशन करती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमको एटमोसफेयर से वाटर और न्यूट्रीशेंट्स कहाँ से मिलते हैं सॉयल यानी कि मिट्टी से इस तरह इन सभी के कॉम्बिनेशन से प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर होता है और जब प्लांट्स फूड प्रिपेयरिंग का वर्क करते हैं यानी कि ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन जो कि ह्यूमन के लिए लाइफ लिविंग गैस है उसको रिलीज़ करते हैं बाहर निकालते हैं इस तरह हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल पाती है हाउ प्लांट्स हेल्प अस प्लांट्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं प्लांट्स हेल्प अस इन मैनी वेज यानी जो प्लांट्स हैं वो हमारे कई वेज में हेल्प करते, करते हैं कई तरीके से हेल्प करते हैं नंबर वन वी गेट फूड आइटम्स सच एज वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रेन्स कैरल्स पल्सेस नट्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स प्लांट्स से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स वेजिटेबल्स पल्स सीड्स नट्स स्पाइसेज मीन्स मसाले इस तरह की जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट फूड वेराइटीज़ होती हैं वो हमको कहाँ से मिलती हैं ये सभी हमको प्लांट्स से मिलती हैं मैनी प्लांट्स सच एज नीम एंड बेसिल हैव मेडिशनल प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ प्लांट्स के लीव्स कैसी होती हैं जिनकी मेडिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं यानी कि हमें दवाई के रूप में भी काम आती हैं लाइक नीम बेसिल बेसिल मींस, तुलसी इनका अपना यूज होता है प्लांट्स क्लीन द एयर दैट वी ब्रीथ बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन यानी कि मेन जो वर्क है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्लांट्स क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से यानी कि वायुमंडल से क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट गैस है वो कौन सी है ऑक्सीजन उसको प्लांट रिलीज करते हैं इस तरह जो एयर का कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस बना रहता है प्लांट्स प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर टू ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड बर्ड्स प्लांट्स ट्रीज़ एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं किस में हमको वो छाया देते हैं रहने के लिए आ, सहारा देते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स को और उनकी जो ट्री होती हैं उनके लॉक्स यानी लकड़ियों से भी ह्यूमन बींग्स के लिए घर बनाने में सपोर्ट मिलता है इस तरह प्लांट डिफरेंट डिफरेंट वेज में ह्यूमन के हेल्प करता है नाउ वी गेट क्लॉथ फ्रॉम द फाइबर्स और थ्रेड ऑफ जूट एंड बॉल्स ऑफ कॉटन प्लांट्स इवन आपने देखा होगा कि जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं उसकी जो कॉटन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है वो हमें प्लांट से मिलती है कॉटन बॉल के रूप में कॉटन का जो प्लांट होता है उससे हमको काटन मिलती है रुई मिलती है इसी तरह जूट के हम जो बैग यूज़ करते हैं या जूट से बना हुआ अदर मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमको किससे मिलता है उसके जो फाइबर्स यानी उसके जो रेशे होते हैं जिससे जूट बनाया जाता है ये भी हमको प्लांट से ही मिलता है इस तरह बच्चों आपने देखा कि प्लांट्स हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज इट प्रोवाइड मेनी थिंग्स टू अस सो वी कैन सेव इट नाव नेक्स्ट वर्ड्स आई लर्न फॉर्मली मीन्स स्ट्रॉन्गली ऑफन यानी कि मैनी टाइम अब नाव नेक्स्ट आई लर्न आई आंसर अब यहाँ पर हमको सीखते हैं और उनके आंसर भी देखते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं नंबर वन सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज फूड क्या कुछ प्लांट्स के सीड्स ऐसे होते हैं जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं यस इट इज़ राइट अटैटो इज रूट ऑफ अ प्लांट यस इट इज ऑल्सो राइट प्लांट्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड वाइल प्रिपेयरिंग फूड क्या जो प्लांट हैं फूड प्रिपेयरिंग के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं छोड़ते हैं नो इट इज़ फॉल्स क्या करते हैं फूड प्रिपेयरिंग के टाइम पर प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं स्टेम्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट क्या जो स्टेम है वो फूड फैक्ट्री कहलाते हैं प्लांट्स के नो इट इज फॉल्स नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स प्लांट्स रिलीज ब्लैंक इन द एयर प्लांट्स कौन सी गैस को रिलीज करते हैं आंसर इज ऑक्सीजन द ब्लैंक ऑफ अ प्लांट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट के अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ तक फूड और वाटर की सप्लाई का, का काम या उनको ले जाने का, का काम कौन करता है यस राइट आंसर इज स्टेम नाउ नेक्स्ट प्लांट्स गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कहाँ से प्लांट्स को वाटर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं यस राइट आंसर इज सॉइल नाउ नेक्स्ट प्लांट्स लाइक बेसिल एंड ब्लैंक हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको दो ऐसे प्लांट्स ट्रीज़ के बारे में बताया था जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है यानी एज ए मेडिसिन उनको हम यूज़ करते हैं बेसिल बेसिल मींस तुलसी और सेकंड इज नीम यस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ प्लांट आर दीज मैच दैम करेक्टली यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पर लीव्स स्टेम रूट्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इनको क्या करना है इनको उन जो पिक्चर्स दिए गए उनके साथ मैच करना है सो एट लास्ट स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच